हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करें कि करंट अफेयर्स जुलाई सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कि डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स बिल, देश बिल, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स बिल, राइट। अभी ये देश बिल क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि अभी रिसेंटली द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेबल द देश बिल ड्यूरिंग द अपकमिंग मानसून सीजन ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाट इज देश बिल? देश बिल क्या है कि इट विल ओवरऑल द एग्जिस्टिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन लॉ ऑफ 2005 एम्स टू रिवाइव द इंटरेस्ट इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड डेवलप द मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक हब्स। देखो फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स बिल के अंदर जो अभी एग्जिस्टिंग है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनको रिप्लेस करने की बात चल रही है डेवलपमेंट हब से, राइट। कि सेस को रिप्लेस किया जाएगा डेवलपमेंट हब से, राइट। अभी ऐसा क्यों, उसको समझने से पहले आपको पहले सेस के अंदर क्या होता है उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक ऐसे जोन होते हैं कि जहाँ पे कोई कंपनी एस्टेब्लिश होती है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इंकरेज किया जाता है। नॉर्मली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर काम करती है, राइट। तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंसर्न दिखाया है कि इंडिया का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ज़्यादा कुछ रोल प्ले नहीं करता है। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऐसी क्या बात है उसके बारे में बात करते हैं, राइट। देखो फ्रेंड्स, अभी जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, उसके अंदर जो भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है, जो भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट के माध्यम से जो इनकम जनरेट होती है, उस इनकम के ऊपर 100% टैक्स बेनिफिट मिलता है पहले 5 साल के लिए, राइट। जो कोई नई कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर काम करती है, उसको पहले 5 साल के लिए जो भी वो एक्सपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट के माध्यम से जो भी इनकम जनरेट होता है, उस इनकम के ऊपर उसको 100% टैक्स बेनिफिट मिलता है, राइट। और दूसरे 5 साल के लिए, मतलब 6 to 10 years के लिए, ये टैक्स बेनिफिट कितना हो जाता है, 50%, राइट। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा उतना ज़्यादा उसको इनकम जनरेट होगा और उसके ऊपर उसको टैक्स भी पे नहीं करना है, राइट। अगर यही चीज़ वो कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में बेचती है तो डोमेस्टिक मार्केट में जो बेचती है वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है, राइट। अगर यही चीज़ के जो वो एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करने पे उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन यही चीज़ अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में बेचती है तो उसको जितनी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट की जितनी कॉस्ट है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके उसने जितना पैसा खर्च किया है, उसके ऊपर उसको ड्यूटी पे करनी पड़ती है, उसके ऊपर उसको ड्यूटी पे करनी पड़ती है। किसके ऊपर? प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर, अगर वही सेम चीज़ उसने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बेची तो। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कहना है कि इस टाइप के रूल्स से क्या होता है कि जो डोमेस्टिक मार्केट में, अभी फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है जिसको एक्सपोर्ट करने पे टैक्स बेनिफिट मिलता है और वही चीज़ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बेचने पे उसको ड्यूटी पे करनी पड़ती है, तो वो तो अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ही करेगा, राइट। तो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट की डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है तो प्राइस उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और वही सेम प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि पता है कि भाई इंडिया के अंदर सेस के अंदर ऐसा प्रावधान है तो लोग क्या करेंगे, इंडिया के सेस में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि वहाँ पे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको टैक्स तो पे करना नहीं है। तो इंटरनेशनल मार्केट में वही सेम प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है और डोमेस्टिक मार्केट में वही सेम प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। तो इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा इंडिया को बोला है कि भाई आपका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तो होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ वो डोमेस्टिक मार्केट को भी इंकरेज करता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इसलिए इंडिया ने एक बिल अनाउंस किया है पार्लियामेंट के अंदर, एक बिल लॉन्च करने वाली है पार्लियामेंट के अंदर, उस बिल का नाम है देश बिल, कि जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जगह डेवलपमेंट हब्स बनाए जाएंगे,
राइट। और उस डेवलपमेंट हब्स में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो बातें हैं कि जो पहले 1 से 5 साल के लिए 100% टैक्स बेनिफिट और 6 से 10 साल के लिए 50% टैक्स बेनिफिट वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा जो अगर वही प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में उसने बेचा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर उसको ड्यूटी पे करनी पड़ती थी ना, उसी ड्यूटी को यहाँ पे उसको जितना रॉ मटेरियल उसने इम्पोर्ट करवाया है, जितना रॉ मटेरियल उसने इम्पोर्ट करवाया है उसी रॉ मटेरियल के कॉस्ट के ऊपर उसको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। राइट, समझ में आया फ्रेंड्स, डिफरेंस समझ में आया कि डेवलपमेंट हब में जो भी कंपनी एस्टैब्लिश होगी कि उसको एक्सपोर्ट करने के ऊपर तो ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा उसके इनकम के ऊपर, लेकिन जो वही सेम प्रोडक्ट अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में बेचती है तो जो सेल्स के अंदर क्या था कि प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, लेकिन डेवलपमेंट हब्स के अंदर क्या होगा कि जो मटेरियल उसने इम्पोर्ट करवाया, रॉ मटेरियल उसने इम्पोर्ट करवाया है उसी के ऊपर उसको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, पूरे प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कंपनीज़ क्या है कि उनको यहाँ पे उनका प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन रहेगा डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर बेचने के लिए और प्राइस भी स्टेबल रहेगी। ये प्योरी न्यूज़ है, देश बिल को लॉन्च करने का ये रीज़न है। राइट, समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो सेज एक्ट के अंदर देखो कि जो WTO के जो रूल्स है उसको उससे वो इनकन्सिस्टेंट है। राइट, कि कंट्रीज आर नॉट अलाउड टू डायरेक्टली सब्सिडाइज द एक्सपोर्ट एज इट कैन बी डिस्टोर्ट द मार्केट प्राइस। राइट, वो मार्केट प्राइस को डिस्टोर्ट करती है, इसलिए कंट्री को एक्सपोर्ट को डायरेक्टली सब्सिडाइज नहीं करना चाहिए। राइट, कि सेल्स यूनिट्स आर यूज टू एन्जॉय द 100% टैक्स एक्जेम्पशन ऑन द एक्सपोर्ट इनकम फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स और 50% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड 50% ऑफ द प्लफ्ड बैक एक्सपोर्ट प्रॉफिट फॉर द अनदर 5 ईयर्स। राइट, टोटल उनको यहाँ पे 15 साल का बेनिफिट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे देश बिल के अंदर जो डेवलपमेंट हब्स बनाए जाएंगे वो सेज से कैसे डिफरेंट है, तो बियॉन्ड द प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट्स इट हैज़ अ मच वाइडर ऑब्जेक्टिव ऑफ बूस्टिंग द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब क्रिएशन थ्रू द डेवलपमेंट हब्स। मैंने जैसे बात की कि एक्सपोर्ट तो यहाँ पे उसी तरह मेंटेन रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वही सेम प्रोडक्ट को बेचने में जो ड्यूटी पहले प्रोडक्ट कोस्ट के ऊपर लगाई जाती थी वो अभी रॉ मटेरियल के ऊपर लगाई जाएगी, वो भी इम्पोर्टेड। राइट, तो ये WTO से कंप्लाइंट होगा, ये जो डेवलपमेंट हब्स है WTO के रूल से कंप्लाइंट होगा। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, तिहान, इंडिया का फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान। तिहान का फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन तिहान का फुल फॉर्म है। राइट, अब ये तिहान एक रिसर्च फैसिलिटी है कि जो रिसर्च कर रहा है कनेक्टेड ऑटोनोमस व्हीकल्स के ऊपर, कनेक्टेड ऑटोनोमस व्हीकल्स के ऊपर ये रिसर्च फैसिलिटी रिसर्च करेगी, उसके लिए जितने भी फैसिलिटीज़ चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो इस जगह पे होगा तिहान। राइट, वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है? IIT हैदराबाद के कैंपस के अंदर। IIT हैदराबाद के कैंपस के अंदर ये तिहान, जो इंडिया का फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी, जो कनेक्टेड ऑटोनोमस व्हीकल्स के ऊपर रिसर्च करेगी। राइट, तो इंडिया के अंदर पहले ऐसे टाइप का एक रिसर्च फैसिलिटी की जो ऑटोमेटिक व्हीकल के ऊपर रिसर्च करेगा तिहान, IIT हैदराबाद के अंदर एस्टैब्लिश होने जा रहा है। यहाँ पे किस टाइप की रिसर्च होगी उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऐसी बात चल रही है कि एक व्हीकल होगा, ये व्हीकल अपने आसपास के, यहाँ पे कुछ एरिया डिफाइन किया जाएगा कि वो अपने आसपास के कुछ एरिया तक जितने भी ऑब्जेक्ट उसके पास होंगे उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी कि एक व्हीकल उसके आसपास के स्पेसिफिक एरिया के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। राइट, और इस टाइप के टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे रिसर्च चल रहा है और इंडिया के अंदर पहली बार ऐसी कोई रिसर्च फैसिलिटी की जो ऑटोनोमस व्हीकल के ऊपर रिसर्च कर रही है उसका नाम है तिहान, वो IIT हैदराबाद के अंदर एस्टैब्लिश होने जा रहा है। राइट, ओके, यहाँ पे कोई सेंसर बेस्ड ऑटोनोमस व्हीकल की बात नहीं चल रही है, जैसे हम वाईफाई वाले एरिया के अंदर आते हैं कैसे हम वाईफाई कनेक्ट कर पाते हैं, उसी तरह अगर व्हीकल उस पर्टिकुलर एरिया, व्हीकल के आसपास का जो एरिया है उसके अंदर कोई भी व्हीकल आएगा, राइट, वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। राइट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेप, इस टाइप के रिसर्च फैसिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के अंदर? कि इट विल प्रोवाइड ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर द हाई क्वालिटी रिसर्च बिटवीन द एकेडेमिया, इंडस्ट्री एंड R&D लैब्स बोथ एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, दस मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन द ऑटोनोमस नेविगेशन टेक्नोलॉजीज। राइट,
India's mobility sector is one of the world's largest market, and Tihan IIT Hyderabad will be the source of the futuristic technology generation for the autonomous vehicles, राइट्स right? तो इंडिया का जो मोबिलिटी सेक्टर है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर. तो ये जो फैसिलिटी है वो नेक्स्ट जनरेशन के व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने में बहुत ही हेल्प करेगी, राइट. तिहान IIT हैदराबाद टेस्ट मेड ऑन द ऑटोनोमस नेविगेशन विल बी अलाउ अस टू टेस्ट द नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनोमस नेविगेशन टेक्नोलॉजीज एक्यूरेटली एंड अलाउ द फास्टर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ग्लोबल मार्केट पेनिट्रेशन, राइट. तो ये फैसिलिटी यहाँ पे इस सेंटर के द्वारा हमको मिलेगी और हम इस सेक्टर के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलप हो गए, राइट. ओके ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सेक्टर. ओके कि अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कैरिड आउट अ रिव्यू ऑफ द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, एक्रेडिटेशन प्रोसेस, रिसर्च एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट इन इंडियाज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ रिव्यू किया है कि इंडिया के अंदर एजुकेशन का क्या स्टेटस है, राइट. तो इस रिपोर्ट का फाइंडिंग्स क्या निकला उसके बारे में बात करते हैं. द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन इन्फॉर्म द कमिटी दैट ओनली 30% ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड 20% ऑफ द कॉलेजेस आर इन एक्रेडिटेशन सिस्टम. लेस देन 9,000 कॉलेजेस आउट ऑफ टोटल 50,000 कॉलेजेस आर एक्रेडिटेड. अभी देखो यहाँ पे फ्रेंड्स एक्रेडिटेशन मतलब क्या हुआ उसके बारे में पहले बात करते हैं कि एक्रेडिटेशन इज अ प्रोसीजर वेर इन द स्टैंडर्डाइजेशन हैपन्स एज टू वॉट मिनिमम बेंच मार्क्स आज टू बी क्रिएटेड, राइट. इट इज़ अ फॉर्मल इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन दैट अ प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन मीट्स एस्टैब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन द टर्म्स ऑफ द टेस्टिंग इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन. देखो फ्रेंड्स एक्रेडिटेशन सिस्टम क्या होता है. एक्रेडिटेशन सिस्टम फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी है उसके ऊपर अगर ISO का मार्केट होता है मतलब वो एक्रेडिटेड है कि वो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रही है. उसी तरह हर एक कॉलेज और हर एक यूनिवर्सिटी अगर वो एक्रेडिटेड है मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो डिसाइड किए गए कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड कि हर एक कॉलेज के अंदर इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होना चाहिए. फॉर एग्जांपल वो इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसके अंदर मिनिमम इतनी मशीनरीज होनी चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, इतना स्टाफ होना चाहिए, तो मिनिमम स्टैंडर्ड को फॉलो करती होनी चाहिए. तो अगर वो मिनिमम स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी तो उसको एक्रेडिटेड किया जाएगा मतलब उसको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, राइट. तो यहाँ पे जो टोटल इंडिया के अंदर जितनी भी कॉलेजेस और जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से जस्ट 30% यूनिवर्सिटीज़ एंड 20% ऑफ कॉलेजेस आर इन एक्रेडिटेशन सिस्टम मतलब वो मिनिमम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, राइट. और लेस देन 9,000 कॉलेजेस आउट ऑफ टोटल ऑफ 50,000 कॉलेजेस आर एक्रेडिटेड, राइट. तो ये रिपोर्ट्स के द्वारा फाइंड किया गया है. ओके ये जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को जो एक्रेडिटेशन देता है जो सर्टिफिकेशन देता है वो कौन सी संस्था है. नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक. नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर में एक संस्था काम करती है नैक. वो एक्रेडिटेशन देती है पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को, राइट. यहाँ पे वो एक्चुअली ग्रेड प्रोवाइड करती है उनके स्टैंडर्ड को फॉलो करने की उनकी जो मेथड होती है उसके हिसाब से उन ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है नैक के द्वारा पर्टिकुलर कॉलेज और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ को. यहाँ पे ग्रेड A++ से लेके C तक का ग्रेड दिया जाता है, राइट. अगर कोई इंस्टीट्यूशन डी ग्रेड कैरी करता है मतलब वो एक्रेडिटेड नहीं है, राइट. और ये ग्रेडिंग कितने साल तक मेंटेन होता है. 5 साल के लिए. एक बार जो ग्रेड दिया गया वो 5 साल तक मेंटेन होता है, राइट. ये जो हमारा नैक है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो नेशनल लेवल के ऊपर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है वो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम का भी मेंबर है, राइट. तो वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. ओके तो यहाँ पे इस रिपोर्ट्स के फाइंडिंग के ऊपर से ये जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन क्या दिए उसके बारे में बात करते हैं, राइट. कि यहाँ पे कि जो एक्रेडिटेशन जो सिस्टम है जो हम हर 5 साल के अंदर जो करते हैं उसको हमको फ्रीक्वेंटली बनाना पड़ेगा क्योंकि कॉलेजेस क्या करती है कि वो 5 साल के ग्रेड को मेंटेन करने के लिए जब एक्रेडिटेशन होने वाला होता है तब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीज़ें मेंटेन करती है फिर जैसे एक्रेडिटेशन हो जाता है फिर वो वैसे के वैसे हो जाते हैं, राइट. तो ये एक्रेडिटेशन सिस्टम फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, राइट. फिर एग्ज़ाम मैनेजमेंट. एग्ज़ाम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी
कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, राइट, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर में काम करती है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर में काम करती है, राइट, वो उनका एग्ज़ाम पैटर्न एकदम सेम होना चाहिए, राइट। कोई भी अपनी तरफ से मतलब कॉलेज लेवल के ऊपर एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज क्या करते हैं कि अपने जो अपना रिजल्ट ऊपर लाने के लिए क्या IMPs प्रोवाइड कर देते हैं, या तो फिर पेपर लीक हो जाता है, राइट, तो ये अनफेयर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, राइट। तो एग्ज़ाम मैनेजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए, ओके। फिर डीम यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, कि कोई भी डेवलप कंट्री के अंदर डीम यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं। डीम यूनिवर्सिटी मतलब कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के जो जिसको कोई रेगुलेट नहीं करता, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर में नहीं आती, बिकॉज कि उसके अंदर एक सारी फैसिलिटी है, मतलब एक पूरा हर एक टाइप के वो कोर्स प्रोवाइड करती है, तो वो अपने आप को ही रेगुलेट करती है। तो ये डीम यूनिवर्सिटीज़ कोविड के टाइम पर बहुत सारे जो फेक सर्टिफिकेशन लोगों को प्रोवाइड करती हुई नज़र आई है। तो मतलब इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का एक कंसर्न है कि डीम यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, राइट। सभी यूनिवर्सिटी एक ही जगह पे, सभी कॉलेजेस एक ही जगह पे रेगुलेट होनी चाहिए, और वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर में। फिर जो लोग फंडिंग करते हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर, उनको टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस आएगा एजुकेशन सेक्टर के अंदर, राइट। और डिजिटल कोर्सेज़ के नॉर्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी कोविड के बाद स्पेशली डिजिटल कोर्सेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो उसके लिए एक नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, ताकि वो अच्छी तरीके से रेगुलेट हो, ओके। इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर, अगर हमें उसके बारे में बात करें, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर लॉन्च की थी, इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, राइट। जो इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने 2020 के अंदर लॉन्च की थी। फिर मार्गदर्शन एक स्कीम लॉन्च की गई है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैविंग द गुड एक्रेडिटेशन रिकॉर्ड्स और द टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस आर सिलेक्टेड टू मेंटर द रिलेटिवली न्यूअर 10 टू 12 पोटेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक इंस्टीट्यूशंस को जो मतलब जिसके एक्रेडिटेशन प्रोसेस के अंदर वो टॉप पे है, उसको 10 एटलीस्ट 10 से 12 जो पोटेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो नई इंस्टीट्यूशंस है, उसको मेंटेन करना है एक मेंटर के तरीके से, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर, किसान क्रेडिट कार्ड, ओके। रिसेंटली द इंडियन मिनिस्टर ऑफ द फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग ने रिव्यू किया है द प्रोग्रेस इन इश्यूएंस ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड्स टू द पुअर फार्मर्स फ्रॉम द एनिमल हस्बेंडरी डेयरिंग एंड फिशरीज सेक्टर विद द बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। देखो फ्रेंड्स, किसान क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करूँ, तो किसान क्रेडिट कार्ड एक्चुअली लॉन्च किया गया था 1998 के अंदर, KCC। ये किसान क्रेडिट कार्ड कोई क्रेडिट कार्ड नहीं होता, ये एक्चुअली फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, जो 1998 के अंदर बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, राइट। ये मिनिस्ट्री के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड को 1998 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे एक लोन देने का इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर कोई क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता, राइट, ओके। तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998 के अंदर जब वो लॉन्च हुआ, तब वो अगर एग्रीकल्चर फार्मर्स को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए लोन लेना है, तभी वो KCC के माध्यम से लोन ले सकता है। 1998 के अंदर जब वो इंट्रोड्यूस किया गया, तब की बात है। लेकिन फिर यही चीज़ को एक्सटेंड किया गया कि अगर एग्रीकल्चरल फार्मर्स को नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए लोन लेना है, तभी वो KCC के माध्यम से लोन ले सकता है। फिर यही चीज़ को 2018-19 के अंदर और एक्सटेंड किया गया कि अभी KCC के माध्यम से एग्रीकल्चर फार्मर्स ही नहीं, एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग फार्मर्स, जो पशुपालन विभाग के जो फार्मर्स होते हैं, उनको भी लोन दिया जा सकता है। तो अभी जो ये रिसेंट न्यूज़ है किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर, कि यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एनिमल हस्बेंडरी डेयरिंग एंड फिशरी सेक्टर के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट को यहाँ पे इवोल्यूशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग के द्वारा, राइट, ओके।
तो केसीसी 1998 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। शुरुआत में वो एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अगर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी है तो उसको भी यहाँ पे लोन मिलता है। और 2018-19 के अंदर जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग फार्मर्स है उनको भी अपनी अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे केसीसी के माध्यम से लोन मिलता है। तो अगर कोई फार्मर केसीसी के माध्यम से लोन लेना चाहता है तो यहाँ पे उसको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है बैंक के अंदर, और उस अकाउंट का नाम है केसीसी अकाउंट। केसीसी अकाउंट जैसे ही आप बैंक में खुलवाओगे आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा, डेबिट कार्ड रुपये का एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा, राइट। उसके अलावा अगर आप 1.6 लाख तक की लोन लेते हो तो आप ये लोन आपके लिए कोलेटरल फ्री रहेगी। कोलेटरल फ्री मतलब कोई भी चीज़ आपको उसके लिए गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, राइट। 1.6 लाख तक की अगर आप लोन लेते हो तो, तब पहले ये लिमिट थी 1 लाख, लेकिन अभी वो एक्सटेंड करके 1.6 लाख कर दी गई है। यहाँ पे केसीसी के अंदर जो लोन मिलती है उसका इंटरेस्ट रेट होता है 7%, लेकिन अगर आप 3 लाख से कम लोन लेते हो तो आपको 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा, और अगर आप लोन का रीपेमेंट सही तरीके से करते हो तो आपको 3% इंसेंटिव मिलेगा। तो मतलब अगर आपको 3 लाख से कम की लोन चाहिए, राइट, 7% के ऊपर लोन मिलेगी लेकिन 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा और 3% इंसेंटिव अगर आप उसका अच्छी तरीके से रीपेमेंट करते हो तो ओवरऑल आपको 2% ही पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सस्ते दर के ऊपर फार्मर्स को लोन मिल जाती है, राइट। ये केसीसी का पूरा मैकेनिज्म है, किसान क्रेडिट कार्ड, राइट। तो आपको आई थिंक न्यूज़ में समझ में आएगा, जस्ट रिसेंट न्यूज़ में इसीलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो फार्मर्स की जो मिनिस्ट्री है उसने इस केसीसी के ऊपर रिपोर्ट लॉन्च किया है कि उसके सेक्टर ने एक केसीसी के द्वारा कितना डेवलपमेंट किया है। ओके, किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो, इस स्कीम के अंदर आप कहाँ कहाँ से बेनिफिट ले सकते हो, तो कॉमर्शियल बैंक से आपको ये केसीसी का लोन मिल जाएगा, रीजनल रूरल बैंक से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से और कोऑपरेटिव से, राइट। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि आपको जैसे ही आप केसीसी अकाउंट खुलवाते हो आपको रुपये का डेबिट कार्ड मिलता है, राइट। और ये जो कोलेटरल फ्री की लिमिट पहले 1 लाख थी, अभी वो 1.6 लाख कर दी गई है, राइट। ये जो केसीसी फैसिलिटी है वो फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स को कैसे हेल्प करेगा, टू मीट देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ रियरिंग ऑफ द एनिमल्स, पोल्ट्री बर्ड्स, फिश, श्रिम्प, अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड कैप्चर ऑफ द फिश, राइट। तो इन उनकी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स वो यहाँ से फुलफिल हो सकती है, राइट। यहाँ पे जितने भी लोन्स है वो 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रोवाइड की जाती है। अगर आप 3 लाख से कम की लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है 2% का, और अगर आप उसका रेगुलर रीपेमेंट करते हो तो आपको 3% इंसेंटिव भी मिलता है, राइट। और यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि फार्मर्स को कौन सी चीज़ों के लिए यहाँ पे लोन मिलता है कि पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, प्रोड्यूस में मार्केटिंग लोन, टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स, कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर हाउस होल्ड्स, वर्किंग कैपिटल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फार्म एसेट्स एंड एक्टिविटीज अलाइड टू द एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर फार्मर्स को इस पर्पस के लिए यहाँ पे लोन मिलता है, राइट। केसीसी के द्वारा अभी तक गवर्नमेंट ने कितना अचीव किया है, अचीवमेंट ऑफ द केसीसी, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो एज ऑफ जून 2020 अराउंड 25 लाख एप्लीकेशंस हैव बीन सेंशन फॉर द नेशन वाइड फिशरी केसीसी के लिए। 2018-19 के अंदर तो ये फिशरी सेक्टर के अंदर अनाउंस हुआ और 2020 तक 25 लाख एप्लीकेशन को सेंशन किया गया केसीसी फिशरी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो। एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू कवर 2.5 करोड़ फार्मर्स अंडर द केसीसी स्कीम विथ अ क्रेडिट बूस्ट ऑफ रुपीज 2 लाख करोड़ थ्रू अ स्पेशल सेचुरेशन ड्राइव। एज अ रिजल्ट ऑफ द कंसर्टेड एफर्ट्स अ मेजर माइलस्टोन टारगेट ऑफ कवरिंग मोर देन 1.5 करोड़ फार्मर्स अंडर द केसीसी विद अ सेंशन क्रेडिट ऑफ द रुपीज 1.35 लाख करोड़ हैज़ बीन अचीव। गवर्नमेंट टारगेट बनाया है कि तो 2 लाख करोड़ को सेंशन करेंगे 2.5 करोड़ फार्मर्स के लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने 1.5 करोड़ फार्मर्स को 1.35 लाख करोड़ सेंशन कर दिए हैं, राइट। तो ये केसीसी के अचीवमेंट्स हैं, स्पेशली यहाँ पे 2018-19 के अंदर फिशरी सेक्टर के अंदर अनाउंस किया गया और 2020 के अंदर तो 25 लाख एप्लीकेशन को सेंशन भी किया गया है, राइट। केसीसी को बहुत सारी जगह पे मिसयूज़ भी किया जाता है,
बराबर, कि फंड्स आर डाइवर्टेड टू द नॉन एग्रीकल्चर यूज़, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट, परचेज ऑफ द व्हीकल्स, हायर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द फॉरेन कंट्रीज। सो फार्मर के द्वारा इस सब कामों के लिए भी केसीसी का यूज़ किया जाता है, कि जो जो जिस पर्पज़ के लिए उसको बनाया गया है उस पर्पज़ के लिए वो यूज़ नहीं करते हैं, राइट। ओके ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, मिशन वात्सल्य। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है गाइडलाइंस टू स्टेट्स अबाउट द मिशन वात्सल्य चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, राइट। कि मिशन वात्सल्य चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए गए हैं। अभी गाइडलाइंस के अंदर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, स्टेट्स कैन नॉट बी चेंज द ओरिजिनल नेम ऑफ द स्कीम इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू द फंडिंग ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, मिशन वात्सल्य चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंडर में जितनी भी स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही है उसका ओरिजिनल चेंज, उसका ओरिजिनल नेम चेंज नहीं करना चाहिए स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्सेस फंड ग्रांट करने के लिए, राइट। अभी इस न्यूज़ को समझने से पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य क्या है, राइट। कि 2009 से पहले मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था तीन स्कीम्स को, थ्री स्कीम्स फॉर द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ द प्रोटेक्शन। अभी कौन कौन सी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, द ज्वेलिंग जस्टिस प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ द केयर एंड प्रोटेक्शन एज वेल एज द चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ। कि जो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ज्वेलिंग जस्टिस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो स्ट्रीट के ऊपर जो चिल्ड्रंस पाए जाते हैं, कोई कुछ चिल्ड्रंस गुम होते हैं, कुछ चिल्ड्रन को यहाँ पर छोड़ा जाता है, राइट। तो उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए एक स्कीम, द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रन, द स्कीम फॉर द असिस्टेंस टू द चिल्ड्रंस होम्स। कि जो चिल्ड्रन उनके घर में उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनका शोषण होता है, तो उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। फिर 2010 के अंदर इस तीनों स्कीम को मर्ज किया गया और उसका नाम दिया गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। 2017 के अंदर उसको रीनेम किया गया, उसका नाम रखा गया चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम। और 2021-22 के अंदर उसी स्कीम को नाम दिया गया मिशन वात्सल्य। तो मिशन वात्सल्य कोई नया स्कीम नहीं है, वो 2009 से चलता आया है और उसको 2 से 3 बार यहाँ पे नाम चेंज किए गए हैं, राइट। मिशन वात्सल्य की अगर मैं बात करूँ कि इट इज़ अ अम्ब्रेला स्कीम फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज इन द कंट्री। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंदर में बहुत सारी स्कीम्स काम करती है। कॉम्पोनेंट्स अंडर द मिशन वात्सल्य इंक्लूड इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेचुटरी बॉडीज, स्ट्रेंथन द सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर्स, अपस्किल द इंस्टीट्यूशन केयर एंड सर्विसेज, इंकरेज द नॉन इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी बेस्ड केयर, इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो मिशन वात्सल्य के अंदर एक पर्टिकुलर चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन देने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, कि जहाँ पे उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए जो केयर प्रोवाइड करते हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, फिर उनको जो स्ट्रीट के ऊपर जो चिल्ड्रंस पाए जाते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा चाहिए वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे इस चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंडर में प्रोवाइड की जाती है, राइट। टू सिक्योर अ हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर द ईच एंड एवरी चाइल्ड इन द कंट्री, टू इंश्योर द अपॉर्चुनिटीज टू इनेबल देम टू डिस्कवर देयर फुल पोटेंशियल एंड असिस्ट देम इन फ्लरिशिंग इन ऑल रिस्पेक्ट, राइट। तो ये मिशन वात्सल्य का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर एक चाइल्ड को उसका राइट मिलना चाहिए, हर एक चाइल्ड को अपनी तरीके से डेवलप होने का फुल्ली राइट मिलना चाहिए, राइट। तो उसके बारे में यहाँ पे बात हुई है। और ये अभी तक ये जो मिशन वात्सल्य है वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम की तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अभी तक जो मिशन वात्सल्य है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रही थी, राइट। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है कि यहाँ पे जितना भी फंडिंग होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब जितना भी फंडिंग होता है पर्टिकुलर स्कीम के पीछे, वो जितना भी फंडिंग वो कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अभी उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाया गया है। ये जो मिशन वात्सल्य है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरीके से वो काम करेगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप में मिलके फंडिंग प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे जो नॉर्मल स्टेट्स हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 60% प्रोवाइड करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 40%
कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करूँ, जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और उसके अलावा जो यूनियन टेरेटरीज है हमारी, तो वहाँ पे जो फंडिंग रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 90% और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 10%, राइट। तो ये अभी सेंटर सेक्टर स्कीम था पहले मिशन वात्सल्य, वो अभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बन जाएगा, राइट। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा प्रोवाइड करवाना है उसको कौन डिसाइड करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा प्रोवाइड करना है इस मिशन के पीछे, तो उसके लिए एक संस्था बनाई जाएगी। उस संस्था का नाम है मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड। मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करती है कि वो ये प्रोजेक्ट्स करने वाली है पूरे साल के अंदर। तो यहाँ पे उनके प्रोजेक्ट को अप्रूव कौन करेगा? मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, एक नई संस्था बनाई जाएगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम से वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाई जाएगी। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर है कि कुछ उनके अंदर एक नई गाइडलाइंस यहाँ पे लॉन्च की है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाएगी, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस पूरे मिशन वास्तव वाली स्कीम के अंदर समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रैंकिंग 2022 लॉन्च किया गया है। रिसेंटली द फर्स्ट एडिशन ऑफ द स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 वॉज रिलीज। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था, उस एक्ट को कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज ने किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है, यहाँ पे उसके बारे में रैंकिंग प्रोवाइड किया गया है। और ये फर्स्ट एडिशन है एक्चुअली, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप से वो इम्पोर्टेंट बन जा रहा है, राइट। इस रैंकिंग को लॉन्च करने का पर्सपेक्टिव क्या है? द इंडेक्स सीक्स टू डॉक्यूमेंट द स्टेटस एंड प्रोग्रेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अक्रॉस द कंट्री इन वेरियस रिफॉर्म इनिशिएटिव्स आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्टेट्स। क्या हर एक स्टेट ने ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में किस तरीके से उन इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, उनको इसके ऊपर यहाँ पे इवोल्यूट किया जाता है, राइट। इट हाईलाइट्स द रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द स्टेट्स इन यूनियन टेरिटरीज एंड क्रिएट्स अ क्रॉस लर्निंग एनवायरनमेंट एंड स्केल अप द रिफॉर्म मेजर्स बाय द ऑल स्टेट्स इन यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए और इस स्कीम को अच्छे से अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए इस रिपोर्ट को बनाया गया है, राइट। The current index is largely focused on the National Food Security Act distribution and will include the future buyouts. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना distributions. देखो अभी ये जो ranking provide किया गया है वो कौन से basis के ऊपर, कि National Food Security Act के अंदर जो distribution provide किया जाता है food grains का, अभी मैं न्यूज़ के अंदर बात करता हूँ कि किस तरीके का ये एक्ट के अंदर में कौन से टाइप का फूड ग्रेन किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस सभी के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस इंडेक्स को कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड ग्रेन्स का वो किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्टेट्स, और उसके अलावा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये इस दोनों योजना को अपने स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के अंदर वो लोग किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके वजह के ऊपर उनको यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड किया गया है, राइट। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिस ऑफ द असेसमेंट का जो बेसिस जो रखा गया है वो क्या रखा गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको उसके अंदर में स्टेट्स के द्वारा किस टाइप से वो लोग कवरेज कर रहे हैं, कौन से पीपल को टारगेट कर रहे हैं, उनके डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं, न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं उन्होंने इस साल के अंदर, ये सभी के बारे में यहाँ पे इवोल्यूट किया जा रहा है पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, और यहाँ पे उनको रैंकिंग प्रोवाइड किया गया है, राइट। तो ये बेसिस ऑफ द असेसमेंट, ये थ्री मेन पिलर्स है इस रैंकिंग के असेसमेंट का। ओके, देखो फ्रेंड्स, अगर मैं ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करूँ उससे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1997 से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, 1997 से। इसका नाम है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ टारगेटेड पब्लिक को, मतलब जो बिलो द पोअर लाइन फैमिली है उनको यहाँ पे सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर फूड ग्रेन दिए जाते हैं। जो फेयर प्राइस शॉप जो होते हैं वहाँ पे उनको सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर जो फूड ग्रेन मिलते हैं वो ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही पार्ट है। कि जो 5 kg, देखो यहाँ पे क्या क्या फूड ग्रेन्स के अंदर क्या क्या सब्सिडी मिलती है, तो जो 5 kg फूड ग्रेन्स है कौन कौन से, वीट, राइस और कोर्स, ये जो तीन फूड ग्रेन्स हैं वो
थ्री के जी, टू के जी और एक के जी के पोर्शन के अंदर, मतलब टोटल 5 kg पर पर्सन पर मंथ। यहाँ पे ये 5 kg फूड ग्रेन्स जो बिलो द पुअर लाइन फैमिली होती है उनको ये 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है, ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में। उसके अलावा 35 kg वीट, राइस और कोर्स पर फैमिली पर मंथ, जो अंत्योदय अन्न योजना के जो बेनिफिशरीज होते हैं, उनको ये 35 kg पर फैमिली पर मंथ ये फूड ग्रेन प्रोवाइड किए जाते हैं अंत्योदय अन्न योजना के जो बेनिफिशरीज होते हैं उनको। देखो मेंस, अगर आपको पता हो कि अगर कोई पर्सन को इस स्कीम के अंदर में बेनिफिशियरी बनना है तो उसके पास रेशन कार्ड होना चाहिए। तो जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1997 के अंदर, तब गवर्नमेंट ने 3 टाइप के रेशन कार्ड लॉन्च किए थे। रेशन कार्ड फॉर द अबो द पुअर लाइन फैमिली के लिए APL, रेशन कार्ड फॉर द बिलो द पुअर लाइन फैमिली के लिए BPL और रेशन कार्ड फॉर द अंत्योदय अन्न योजना के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो ये सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर जो फूड ग्रेन्स मिलते हैं वो बिलो द पुअर लाइन फैमिली के लिए और अंत्योदय अन्न योजना के जो बेनिफिशरीज हैं उनको यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है। अगर आप जो फेयर प्राइस शॉप के ऊपर ये जहाँ पे ये फूड ग्रेन्स मिलते हैं, अगर आपके पास रेशन कार्ड BPL का और या तो फिर अंत्योदय अन्न योजना का है तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, राइट। अभी ये जो मैंने बात की ना, जो 5 kg पर पर्सन पर मंथ जो वीट, राइस और कोर्स मिलता है वो BPL फैमिली को मिलता है, और ये जो मैंने बात की ना 35 kg पर फैमिली पर मंथ मिलता है वो अंत्योदय अन्न योजना की फैमिली को मिलता है। तो यहाँ पे जो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर जो पर्सन्स इंक्लूड होते हैं वो पुअर में भी पुअरेस्ट, BPL में पुअर फैमिली आती है और पुअर में भी जो पुअरेस्ट होते हैं वो अंत्योदय अन्न योजना के अंडर में कवर किए गए हैं। तो ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1997 के अंदर लॉन्च किया गया था, फिर उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर लॉन्च किया गया, और यहाँ पे रेशन कार्ड को अबो द पुअर लाइन और बिलो द पुअर लाइन के माध्यम से बाइफरकेट नहीं किया जाता है। यहाँ पे 2013 के बाद में जितने भी रेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उन दो वो 3 कैटेगरी में है, एक तो नॉन प्रायोरिटी फैमिली, प्रायोरिटी फैमिली और अंत्योदय अन्न योजना। तो यहाँ पे जो अबो द पुअर लाइन फैमिली जो पहले टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में थे वो नॉन प्रायोरिटी फैमिली में, राइट। फिर जो बिलो द पुअर लाइन जो फैमिली होती थी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अंदर, वो अभी प्रायोरिटी फैमिली के अंदर वो कवर होते हैं, और अंत्योदय अन्न योजना के लिए तो वो पूरे पुअर में जो पुअरेस्ट होते हैं वो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर में कवर होते हैं। तो अभी जो रेशन कार्ड होता है वो नॉन प्रायोरिटी फैमिली, प्रायोरिटी फैमिली और अंत्योदय अन्न योजना, इस 3 कैटेगरी के अंदर वो बाइफरकेट होते हैं, राइट। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को अपने स्टेट लेवल के ऊपर कौन सा स्टेट किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके रिगार्डिंग ये रैंकिंग अभी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट। और इस रैंक को टॉप किया है ओडिशा ने। जनरल कैटेगरी स्टेट के अंदर ओडिशा इज रैंक फर्स्ट, फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश इन सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर त्रिपुरा रैंक्स टॉप अमंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो हिमालयन स्टेट्स और जो आइलैंड स्टेट्स हैं वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर आते हैं, और उसमें त्रिपुरा ने टॉप किया है, राइट। एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस के अंदर पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली आर अमंग द स्टेट्स इट द बॉटम 5, राइट। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में सबसे टॉप पे है ओडिशा जनरल कैटेगरी के अंदर, स्पेशल कैटेगरी के अंदर त्रिपुरा और वर्स्ट परफॉर्मर के अंदर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राइट। ओडिशा ये पूरे इंडेक्स के अंदर टॉप आने का उसका ये वजह है कि ओडिशा हैज़ फॉलोड द एडॉप्शन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इन द स्टेट इन 2015 विद द रबस्ट एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेशन। ओडिशा ने ये पूरा जो ऑपरेशन है उसके अंदर जितने भी फेयर प्राइस शॉप है, जितने भी उसके सप्लाई चेन्स हैं, राइट, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है, उस सभी को यहाँ पे कंप्यूटराइज कर दिया गया है, एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया है ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो इसके लिए ओडिशा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने में फर्स्ट नंबर पे है, राइट। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि जो 5 kg ऑफ द फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ, यहाँ पे 3, 2 और 1 kg फॉर द राइस, वीट और कोर्स ग्रेन मिलते हैं आपको, और जो अंत्योदय अन्न योजना के जो बेनिफिट है बेनिफिशरी से उसको 35 kg फॉर द फूड ग्रेन पर द हाउस होल्ड पर मंथ यहाँ पे मिलता है, राइट। जो मिल एंड मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ नॉट लेस देन 6,000 टू द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लेटिंग मदर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ,
यहाँ पे जो 6,000 रुपये का जो बेनिफिट मिलता है जो प्रेग्नेंट वुमेन को, लेटेंडिंग मदर्स को, जो चाइल्ड बर्थ के बाद 6 महीने तक, ये भी इस स्कीम के अंडर में अभी कवर किया गया है। जो मील्स मिलती है चिल्ड्रंस को अप टू द 14 ईयर्स ऑफ द एज, वो भी इस स्कीम के अंडर में कवर किया गया है, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली स्कीम्स ऑफ द कैश अवार्ड्स, नेशनल वेलफेयर एंड पेंशन टू द स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। रिसेंटली इंडियन मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया है रिवाइज स्कीम्स ऑफ द कैश अवार्ड्स, नेशनल वेलफेयर एंड पेंशन टू द स्पोर्ट्स पर्सन। उनके लिए एक ये स्कीम्स के लिए एक वेब पोर्टल डिजाइन किए गए हैं, राइट। कि वेब पोर्टल फॉर द स्कीम्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड की एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। देखो देखो फ्रेंड्स, अभी ये स्कीम्स के अंदर क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट है कि डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी फॉर दी स्कीम्स। फॉर एग्जाम्पल, नाउ एनी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द ऑल द 3 स्कीम्स। आइदर प्रपोजल्स वेर रिसीव्ड थ्रू द स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूजुअली टेकिंग द मोर देन 1 to 2 ईयर्स। नाउ एप्लीकेंट्स नाउ नीड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द कैश अवार्ड स्कीम विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट। देखो कि यहाँ पे अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसने कोई इवेंट जीता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसने कोई इवेंट जीता है, तो उस इवेंट के क्लोजिंग डेट के बाद उसको 6 महीने के अंदर, राइट, 6 महीने के अंदर उसको कैश अवार्ड मिलना चाहिए। उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, तो पहले वो एप्लीकेशन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या तो फिर कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन को देनी पड़ती थी, और फिर वो अप्रूव होने में 1 से 2 साल लग जाते थे। लेकिन अभी ये कैश अवार्ड्स के लिए कोई भी एप्लीकेंट वो एक पोर्टल के माध्यम से, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है कैश अवार्ड्स के लिए, तो वो उस पोर्टल के ऊपर जाके ही अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। तो उसका ये जो पैसा है, जो उसको कैश अवार्ड मिलेगा, वो 2 से 3 महीने के अंदर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने बात की कि कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को ये कैश अवार्ड मिलता है, तो वो जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको ये कैश अवार्ड मिलता है। अब ये आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा जितनी भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जाती है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, उसके अंदर, या तो फिर इंटरनेशनल लेवल की बात करूँ तो ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, राइट, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ये जो इंटरनेशनल लेवल की गेम्स हैं, यहाँ पे भी जो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन top 3 पोजीशन के ऊपर आता है, मतलब या तो फिर उसने गोल्ड मेडल जीता है, या तो फिर उसने सिल्वर मेडल जीता है, या तो फिर उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये top 3 पोजीशन के ऊपर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं इस इवेंट्स के अंदर, उन स्पोर्ट्स पर्सन को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को ही ये स्कीम्स का लाभ मिलता है, जो कैश अवार्ड्स है, जो पेंशन है, राइट। ये स्कीम का बेनिफिट किसको मिलता है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी इवेंट वो अगर फॉर एग्जांपल वो जीतता है, तो उसके क्लोजिंग डेट के बाद 6 महीने के अंदर उसको यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कैश अवार्ड्स के लिए, और उसको फिर कैश अवार्ड अभी डायरेक्टली मिल जाएगा, कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन के मार्फत उसको ये चीज़ नहीं करवानी है, ओके। उसके अलावा पेंशन की बात करूँ तो पेंशन भी कोई भी आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, फॉर एग्जाम्पल वो उसकी एज है 27 ईयर्स, उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया, तो उसको पेंशन मिलेगा लाइफ टाइम, लेकिन 30 एज के बाद। लेकिन अगर उसने 35 एज के ऊपर रिटायरमेंट अनाउंस किया, तो उसको पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, राइट। तो मिनिमम पेंशन की जो एज है वो 30 ईयर्स है, राइट। फिर उसके बाद अगर आप रिटायरमेंट अनाउंस करते हो, तो आप उसके बाद आपको पेंशन का अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे जो गोल्ड मेडल जीतता है उसको 16,000 पर मंथ, जो सिल्वर मेडल जीतता है उसको 15,000 पर मंथ, और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतता है उसको 12,000 पर मंथ का पेंशन प्रोवाइड किया जाता है, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उसको, राइट। तो अभी ये जो पेंशन बेनिफिट है ना, वो डिफलिम्पिक, जो मतलब जो बहरे लोग जो होते हैं उनका जो ओलंपिक होता है, उन लोगों को अभी तक ये पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलता था। उन इस टूर्नामेंट के जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको ये पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन अभी ये पेंशन का बेनिफिट उन लोगों को भी मिलेगा। तो ये रिसेंट न्यूज़ है कि पेंशन बेनिफिट्स अभी डिफलिम्पिंग के जो एथलीट्स हैं उनको भी मिलेगा, राइट। फिर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का एक वेबसाइट भी बनाया गया है। अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर अपनी CSR एक्टिविटी के अंदर कुछ डोनेट करना चाहता है स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर, तो ये नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के वेबसाइट के ऊपर जाके वो अपलोड कर सकता है।
तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड की वेबसाइट के ऊपर जाके वो अपने डोनेशन को कंट्रीब्यूट कर सकता है, राइट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स, वो मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट संस्था वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से उसको कुछ सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए लगाना होता है। तो उस एक्टिविटी को CSR एक्टिविटी कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी कहते हैं, राइट। तो अभी कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर कुछ डेवलपमेंट करने के लिए कुछ डोनेट करना चाहता है तो इस वेबसाइट के ऊपर वो डायरेक्टली जाके डोनेट कर सकता है, राइट। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का जो पैसा है वो कहाँ पर यूज़ होता है, टारगेट ओलंपिक पोडियम के ऊपर। टारगेट ओलंपिक पोडियम की जो स्कीम है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होता है पूरे स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो बनाया गया, राइट, वो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के पैसे का यूज़ करके ही बनाया गया है। तो पूरे स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या जो एथलीट्स को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, उनको सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, वो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के अंदर से ही प्रोवाइड की जाती है, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी RBI ने अलाउ किया है ट्रेड सेटलमेंट्स इन द रूपी के अंदर। देखो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपको पता है कि ट्रेड सेटलमेंट्स क्या होता है, कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड सेटलमेंट्स। तो अभी RBI ने बोला है कि अभी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो रुपीस के अंदर होगा, राइट। अभी ये स्टेप RBI ने क्यों लिया उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि RBI के US के द्वारा रशिया के ऊपर बैन लगाया गया है, US के द्वारा रशिया के ऊपर बैन लगाया गया है कि रशिया के साथ कोई भी कंट्री डॉलर के अंदर ट्रेडिंग नहीं करेगी, डॉलर के अंदर ट्रेडिंग नहीं करेगी। ये US के द्वारा बैन किया गया है रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चलते हैं उसकी वजह से। तो अगर आपको पता हो कि हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट रशिया के साथ करते हैं, राइट, इम्पोर्ट रशिया से करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट, मतलब, और ये जो ट्रेडिंग होता है वो नॉर्मली डॉलर्स के अंदर ज़्यादा करते हैं। हम रशिया का जो करेंसी है रूबेल है, लेकिन जो नॉर्मली ट्रेडिंग के अंदर हम रशिया के साथ ट्रेडिंग डॉलर्स के अंदर करते हैं, राइट। तो ये US का जो ये स्टेप है वो हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो एक ये भी रीज़न है कि जो इंडिया रशिया के साथ जो ट्रेडिंग है वो अभी रुपी के अंदर करना चाहता है, क्योंकि डॉलर के अंदर तो US ने अभी बैन करके रखा है, तो हमको ट्रेडिंग तो करना पड़ेगा। तो अभी इंडिया ऐसा तो नहीं बोल सकता कि भाई हम रशिया के साथ ही जस्ट रुपी में ट्रेडिंग करेंगे, बाकी सब जगह पे हम डॉलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि फिर वो इंडिया और US के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, राइट। तो एक ये रीज़न है कि RBI ने ये स्टेप लिया है। दूसरी बात कि अगर आपको पता हो कि अभी एक डॉलर की जो वैल्यू है वो 80 रुपीज़ के आसपास है, 80 रुपीज़ के आसपास है, मतलब डॉलर की प्राइस, डॉलर की वैल्यू अभी ज़्यादा है रुपीज़ के कंपेरिजन के अंदर। और अगर आपको पता हो कि फॉरेक्स रिज़र्व के अंदर सभी फॉरेन करेंसी इंक्लूड होती हैं, कोई भी कंट्री का फॉरेक्स रिज़र्व के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, जो फॉरेन करेंसी उसके पास कौन कौन सी है वो सभी फॉरेन करेंसी फॉरेक्स रिज़र्व के अंदर आएगी। उसके अलावा पर्टिकुलर कंट्री के पास गोल्ड कितना है वो भी फॉरेक्स रिज़र्व के अंदर आता है, और उसके अलावा पर्टिकुलर कंट्री के पास SDR कितना है वो भी फॉरेक्स रिज़र्व के अंडर आता है। अभी ये SDR क्या होता है फ्रेंड्स, SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट SDR। ये कोई करेंसी नहीं है, ये है 5 करेंसी का ग्रुप। कौन कौन सी 5 करेंसी, डॉलर, पाउंड, यूरो, रिमांबी चाइना की रिमांबी और जापान की येन। ये 5 करेंसी, डॉलर US का है, पाउंड UK का, यूरो यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन कंट्रीज़ का, रिमांबी चाइना का और येन जापान का, ये 5 करेंसी का ग्रुप है SDR। और उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू है डॉलर्स की, क्योंकि डॉलर्स नॉर्मली ग्लोबल लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ये करेंसी यूज़ होती है डॉलर। तो अगर कोई कंट्री को, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लोन देना है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक को इंडिया को लोन देना है, तो क्या चेक करेगी कि इंडिया के पास फॉरेक्स रिज़र्व कितना है और उसके अंदर भी SDR कितना है वो चेक करेगी, राइट। क्योंकि SDR ये 5 करेंसी जो है जो ग्लोबल लेवल के ऊपर 90% ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ होती है। तो अगर जो कंट्री के पास ये पैसा है वो ज़्यादा ट्रेडिंग कर पाएगा, ज़्यादा बिजनेस कर पाएगा और ये लोन का रीपेमेंट कर पाएगा। तो कोई भी संस्था कोई कंट्री को लोन देने के लिए क्या चेक करती है कि उसके पास SDR कितना है।
राइट। और एसटीआर में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? डॉलर का। तो आरबीआई का कहना है कि जब ये डॉलर की वैल्यू अभी सबसे ज़्यादा है अभी तक की, अब इस कंडीशन के अंदर हम डॉलर को वेस्ट कर लेंगे ये इम्पोर्ट के अंदर, जो हम इम्पोर्ट करवाते हैं, तो हमारा एसटीआर वीक हो जाएगा, राइट। इस टाइम के ऊपर जितना डॉलर हमारे पास होगा उतना हमारा एसटीआर मजबूत होगा, राइट, क्योंकि डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है और हम ज़्यादा लोन ले पाएंगे लोगों से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हम ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। और अगर हम इस टाइम के ऊपर डॉलर को वेस्ट करेंगे तो हमारा एसटीआर वीक हो जाएगा। तो आरबीआई ने बोला है कि ऐसे टाइम के ऊपर हम डॉलर को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और हम ज़्यादा इम्पोर्ट करवाते हैं तो हमको ज़्यादा डॉलर गंवाना पड़ता है, इसलिए हम डॉलर की जगह अभी रुपये के अंदर सेटलमेंट्स करेंगे। तो ये दो रीज़न है मेनली आरबीआई के द्वारा जो बताए गए हैं। अब ये सेटलमेंट्स कैसे किए जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल रशिया की कंपनी है, उसका अकाउंट है रशिया की एक बैंक है, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ रशिया के अंदर उसका अकाउंट है, लेकिन बैंक ऑफ रशिया की ब्रांच इंडिया के अंदर नहीं है। तो बैंक ऑफ रशिया क्या करेगी, वो इंडिया की कोई ऑथोराइज डीलर बैंक है उसके अंदर अपना अकाउंट खुलवाएगी, ऑथोराइज डीलर बैंक है उसके अंदर अपना अकाउंट खुलवाएगी। ये ऑथोराइज डीलर बैंक क्या होती है, ये बैंक के जो आरबीआई के द्वारा ऑथोराइज़ की गई है कि वो इंटरनेशनल बैंकों का यहाँ पे अकाउंट रख सकती है। ये ऐसी बैंक्स होती है कि जहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा होता है, तो बैंक ऑफ रशिया का अकाउंट होगा ऑथोराइज डीलर बैंक के अंदर, और इस टाइप के अकाउंट को बोला जाता है वॉस्त्रो अकाउंट। इस टाइप के अकाउंट को क्या बोला जाता है, वॉस्त्रो अकाउंट। और ये वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है, एक रूपी डोमिनेटेड अकाउंट होता है, यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन हो गए वो रुपीज़ के अंदर हो गए। तो फॉर एग्जांपल हम रशिया के साथ कोई चीज़ इंपोर्ट करवाते हैं तो हमको पैसा देना पड़ेगा रशियन कंपनी को, राइट। तो हमको पैसा ये कंपनी को अगर पहुँचाना है, राइट, तो वो कंपनी का जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ रशिया के अंदर है, बैंक ऑफ रशिया का जो अकाउंट है वो ऑथोराइज डीलर बैंक के अंदर है, और उस अकाउंट का नाम क्या है, वॉस्त्रो अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, पैसा रुपीज़ के अंदर ये वॉस्त्रो अकाउंट के अंदर जमा करवाएंगे। और उसी तरह अगर हम रशिया के साथ कोई एक्सपोर्ट करवाते हैं तो हम पैसा ये वॉस्त्रो अकाउंट के अंदर ही क्रिएट करवाएंगे रुपी के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जैसे हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर हम कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, राइट, अभी फॉर एग्जांपल हमने सेविंग अकाउंट के अंदर 50,000 रुपया डिपॉजिट करवाए, तो क्या ये 50,000 वो यही 50,000 हमको वापस मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले हैं। बैंक अपने सभी सेविंग अकाउंट को मेंटेन एक साथ करती है, और उसमें से बहुत सारे लोगों के पैसे में से कुछ पैसे आपको मिलेगा जब आप विड्रॉ करने के लिए जाओगे। तो यहाँ पे सेम मेकेनिज़म वो ये आरबीआई ये सेटलमेंट के अंदर कर रहा है कि वॉस्त्रो अकाउंट के अंदर जो ये ऑथोराइज डीलर बैंक के अंदर जो वॉस्त्रो अकाउंट खुला गया है बैंक ऑफ रशिया का, तो रशिया के अंदर जितनी भी कंपनीज है जो इंडिया के साथ ट्रेडिंग करती है वो सभी के अकाउंट जो बैंक ऑफ रशिया के साथ है वो इसी ऑथोराइज डीलर बैंक के इसी वॉस्त्रो अकाउंट के अंदर होंगे। तो सभी के पैसे यहाँ पे ही जमा होंगे रुपीज़ के अंदर, राइट। अभी फॉर एग्जांपल वो कंपनी तो अपने पैसा मांगेगी, लेकिन वो कंपनी को पता है कि उसको फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन करना है इंडिया के साथ, तो वो यहाँ पे अपना पूरा पैसा इस अकाउंट में से विड्रॉ नहीं करेगी, राइट। यहाँ पे वो जो उसका प्रॉफिट है या तो फिर उसको जितनी ज़रूरत है वही पैसा वो बैंक ऑफ रशिया के साथ मंगवाएगी वो इंडिया की ये ऑथोराइज डीलर बैंक के पास से। तो बैंक ऑफ रशिया क्या करेगी, फॉर एग्जांपल ये 50 करोड़ का हमने इंपोर्ट करवाया था इस कंपनी से, लेकिन वो कंपनी के मालिक को चाहिए जस्ट उसमें से 20 करोड़ रुपीज़। तो 20 करोड़ रुपीज़ वो बोलेगा बैंक ऑफ रशिया से, भाई मुझे 20 करोड़ चाहिए। तो बैंक ऑफ रशिया उसको कमांड देगी, भाई इसको 20 करोड़ चाहिए, तो हम जो 20 करोड़ के जो इक्विवेलेंट रुपीज़ है उसको कन्वर्ट करेंगे रुपये या तो फिर डॉलर्स के अंदर। जो पहले 50 से 50 करोड़ को कन्वर्ट करना पड़ता था डॉलर्स के अंदर, राइट, उसकी जगह अभी 20 करोड़ को ही हम कन्वर्ट करेंगे, जिसकी जितनी उसको ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे जो 30 करोड़ का बाकी का जो पैसा है वो डॉलर्स के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे जो 30 करोड़ का जो बाकी का पैसा है वो उसका इक्विवेलेंट हमको डॉलर या फिर रूबल के अंदर कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन रहेगा। समझ में आया फ्रेंड्स ये क्या हो रहा है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा को कन्वर्ट किया जाएगा। जो हम पहले इंपोर्ट करते थे 50 करोड़ का, तो हमको 50 से 50 करोड़ डॉलर्स में या तो फिर रूबल में देना पड़ता था। हम एक्सपोर्ट करते थे तो हमको 50 से 50 करोड़ बाहर की फॉरेन करेंसी में ही लेना पड़ता था। तो ये फॉरेन करेंसी में ट्रेडिंग ना हो के जितनी ज़रूरत है वो उतना ही कन्वर्ट करके उनको भेजा जाएगा, राइट। बाकी सब पैसा यहाँ पे रुपी के अंदर ये वॉस्त्रो अकाउंट में पड़ा रहेगा, ओके। तो ये पूरा सेटलमेंट्स यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन रखने के लिए और यूएसए के साथ जो यूएस ने बैन रखा है उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये स्टेप्स लिया है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स सर्विस चार्ज के ऊपर। सर्विस चार्ज, अभी रिसेंटली सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी
issue the rules to avoid the unfair trading practices and protect the consumer interest in the hotels and restaurants that assess the service charges. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप होटल्स और रेस्टोरेंट्स के अंदर जब जाते हो, तब वो अपने मेनू के अंदर जो प्राइस लिखा है वो प्राइस का तो बिल वो बनाएगा ही, उसके अलावा कुछ सर्विस चार्ज को भी ऐड करके फिर टोटल के ऊपर जीएसटी लगाता है। तो अभी इसको अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस माना जाएगा अगर आपने सर्विस चार्ज कोई होटल्स और रेस्टोरेंट्स के द्वारा सर्विस चार्ज बिल के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, तो उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। कंज्यूमर उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट भी कर सकता है। उसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1915 भी अनाउंस किया गया है, और ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर में ये चीज़ अनाउंस की गई है। तो एक सिंपल न्यूज़ है, सर्विस चार्ज अभी जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स जो बिल के अंदर इंक्लूड करते हैं उसको अभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा अनाउंस किया गया है। ओके, सर्विस चार्ज ऑप्शनली होता है, वॉलेंटरीली होता है, आप डोनेट कर सकते हो लेकिन आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो किसी कस्टमर को सर्विस चार्ज देने के लिए, राइट? हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म्स अभी अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, राइट? अभी ये प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म के अंदर क्या किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो नेशनल एग्रीकल्चर ई मार्केट है, ई नाम, इस पोर्टल को इंटीग्रेट करने की बात चल रही है बाकी सारे प्लेटफॉर्म के साथ। कौन कौन से प्लेटफॉर्म के साथ? लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर, क्लियरिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग सर्विस प्रोवाइडर, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर, एग्रीकल्चर इनपुट सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी इनेबल फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर, ये जो सभी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। इन प्लेटफॉर्म को एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और इस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट किया जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर ई मार्केट के साथ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर ई मार्केट वो क्या है फ्रेंड्स। नेशनल एग्रीकल्चर ई मार्केट एक पोर्टल है कि जहाँ पे फार्मर्स अपने जो प्रोड्यूस है उसने जो प्रोड्यूस किया है उसको इंडिया के कोई भी मंडीज के अंदर वो बेच सकता है। ये पोर्टल के ऊपर से फार्मर को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी मंडी के अंदर क्या, कौन कौन सी कमोडिटी की डिमांड है और यहाँ पे प्राइस क्या चलते हैं। तो यहाँ पे फार्मर को कोई भी इंडिया के कोई भी मंडीज के अंदर अपने सामान को बेचना है तो एक पोर्टल के ऊपर वो उसको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ई नाम के पोर्टल के ऊपर। अभी इस ई नाम के पोर्टल को इंटीग्रेट करने की बात चल रही है ये सर्विस बाकी सारी सर्विस प्रोवाइडर के जो पोर्टल्स है उसके साथ। तो अभी इसका फ़ायदा क्या होगा कि अभी तक फार्मर्स को देखो यहाँ पे वो फॉर एग्जांपल पंजाब का फार्मर है उसको गुजरात के अंदर वीट गुजरात की मंडी के अंदर वीट ले जानी है, राइट? तो वो ई नाम पोर्टल के ऊपर उसको मिल जाएगा कि भाई गुजरात की ये पर्टिकुलर मंडी के अंदर क्या प्राइस चल रहा है, उसकी डिमांड कैसी है, तो गुजरात की मंडीज़ के अंदर वो अपने वीट को बेचना चाहता है। लेकिन वो अभी तक क्या था कि फॉर एग्जांपल उसको बेचना है तो लॉजिस्टिक सर्विस चाहिए, उसके क्वालिटी एश्योरेंस की सर्विस चाहिए, पैकेजिंग की सर्विस चाहिए, तो वो अपने आसपास के कोई लोकल सर्विस प्रोवाइडर को ही वो पिक करता है और वो जो जितना भी चार्ज वो मांगता है वो उसको देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फार्मर्स को अभी ई नाम पोर्टल के साथ साथ ये बाकी सारे सर्विस प्रोवाइडर के पोर्टल्स को भी एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे फार्मर्स के लिए एक अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर में से कौन सा सर्विस प्रोवाइडर को उसको चूज़ करना है वो भी फार्मर एक पोर्टल के ऊपर से चूज़ कर पाएगा। तो राइट, यहाँ पे पूरा एक कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म क्रिएट हो जाएगा फार्मर्स के लिए अपनी एक पर्टिकुलर चीज़ को दूसरी जगह पे भेजने के लिए, राइट? तो एक प्लेटफॉर्म द प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये जो सभी सारे सर्विस प्रोवाइडर के जो प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया और इस प्लेटफॉर्म को क्या बोला गया है, प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म अभी अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, जिसको अभी इंटीग्रेट किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर ई मार्केट के साथ, राइट? कि फार्मर्स को एक ही जगह पे बैठ के कौन सी मंडी के अंदर अपना सामान बेचना है और कौन सी सर्विस प्रोवाइडर से अपना सामान बेचना है वो एक ही जगह पे बैठ के वो डिसाइड कर सकता है। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।